हे गुड मॉर्निंग गाइस, तो चलिए आज की फ्रेश सुबह को और भी फ्रेश बना देता हूँ एक ब्यूटीफुल डॉग ब्रीड के साथ जो है लैब्राडोर। सो गाइस, पिछले कुछ टाइम से जितनी भी मैं लैब्राडोर की वीडियो लाया हूँ उन सभी पपीज की क्वालिटी काफी शानदार रही है और ये पपीज भी उन्हीं में से एक है। तो गाइस, ये लैब्राडोर पपीज एकदम शो क्वालिटी के हैं और ये चीज आप लोगों को जस्ट कुछ ही सेकंड्स में पता लग जाएगी जब आप लोग इनके पेरेंट्स को देखोगे। वैसे ये चीज बहुत ही जरूरी होती है, जब भी आप लोग किसी भी पपीज को परचेज करो तो आप लोगों को उनके पेरेंट्स की क्वालिटी जरूर देखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये जो आप लोग पपीज के साथ देख रहे हैं ये इनके फादर हैं जो कि अल्टीमेट क्वालिटी में हैं। वैसे गाइस, ऐसी क्वालिटी के लैब्राडोर काफी कम देखने को मिलते हैं क्योंकि आजकल ओवर ब्रीडिंग की वजह से डॉग्स की क्वालिटी वैसी नहीं हो पाती जैसी उन्हें होना चाहिए। तो इन पपीज की जो मदर है उसकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है जिसे मैं आप लोगों को आगे वीडियो में दिखाऊंगा। और गाइस, आई एम श्योर आप में से काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि पपीज का प्राइस काफी एक्सपेंसिव होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग एक डिसेंट प्राइस में इन पपीज को परचेज कर सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग एक लैब्राडोर परचेज कर रहे हैं या ऑलरेडी आप लोगों के पास एक लैब्राडोर पपी है तो प्लीज आप लोग उन्हें ओवर फीडिंग ना करें, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे पास कुछ केसेस आए हैं जिनके पास वो लैब्राडोर पपीज थे, उन्होंने अपने पपीज को काफी ओवर फीडिंग की थी जिसकी वजह से वो काफी मोटे तो हो गए बट उनकी हाइट उतनी नहीं निकल पाई जितनी कि एक नॉर्मल लैब्राडोर की होनी चाहिए। तो इस चीज का ख्याल आप लोगों को रखना पड़ेगा अगर आप लोग एक लैब्राडोर को परचेज कर रहे हैं तो। और इनकी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए आप लोगों को इन्हें वॉक पर जरूर लेके जाना पड़ेगा और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी जरूर कराएं। और इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो है इनकी डिफॉर्मिंग। अगर आप लोग अपने पपीज की डिफॉर्मिंग टाइम टू टाइम करते रहेंगे तो आई एम श्योर आप लोगों के पपीज हमेशा काफी एक्टिव रहेंगे। एनीवेज गाइस, पपीज और इनके फादर की क्वालिटी तो आप लोग देख ही चुके हैं। ये जो आप लोग अभी देख रहे हैं ये इन पपीज की मदर है और ये भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है। तो आई होप इतना तो आप लोग भी श्योर हो गए होंगे कि पपीज की क्वालिटी में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए गाइस, बाकी की बातें भी कर लेते हैं, बट उससे पहले ये है हमारी पिछली वीडियो के टॉप 3 कमेंट्स, जिसमें से फर्स्ट है उपेन बैसला, सेकंड है एवी गेमर्स एंड थर्ड है सुनील सोलंकी। सो गाइस, अब बात करते हैं पपीज की एज, प्राइस और लोकेशन के बारे में। तो सबसे पहले अगर पपीज की एज के बारे में बात करें तो आज ये 26 डेज के हो चुके हैं और इनकी जो लोकेशन है वो है मेरठ उत्तर प्रदेश से। और ऑफ कोर्स डिलीवरी में भी आप लोगों के पास ऑप्शंस है, उन्हें आप लोगों को 100 किलोमीटर तक डिलीवरी प्रोवाइड करा देंगे विद एक्स्ट्रा चार्ज, बाकी आप लोगों को डायरेक्ट विजिट करके ही पपीज को परचेज करना चाहिए। तो चलिए गाइस, फाइनली बात कर लेते हैं पपीज के प्राइस के बारे में। तो क्वालिटी तो आप लोग इन पपीज की देख ही चुके हो जो कि काफी अच्छी है। तो ओनर जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो मेल की है 14,000 रुपीस 14,000 रुपए एंड फीमेल की है जस्ट 7,500 रुपीस यानी 7,500 रुपए। भाई फीमेल का प्राइस काफी डिसेंट है, आई एम श्योर आप लोगों को क्वालिटी के हिसाब से प्राइस काफी पसंद आया होगा। तो गाइस कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर जरूर बताएं। तो जल्दी मिलता हूं आप लोगों से एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय।